To live in the hearts we leave behind is not to die. Thomas Campbell. Welcome to Kargil Conversations. Today we are going to take you to the house of Mrs. Meena Nair, mother of Captain Anuj Nair, or Mani as we call her. जब लड़ाई करने का टाइम आया तो उसने किसी का नहीं सोचा. He was a very good brother, very good son, and moreover उसकी फियांसी थी. जब लड़ाई करने का टाइम आया तो उसने किसी का नहीं सोचा ना. वो अपने देश के लिए, उसको देश के लिए करना था. क्योंकि उसने अपनी एक कई लेटर्स हैं जिसमें वो लिखता था कि मेरी ये विश है कि मुझे सियाचिन में पोस्टिंग मिले. मैं अपनी फिजिक को टेस्ट करना चाहता हूँ. एंड मोर ओवर कहता था कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरे को मेरी मतलब इस समय डेथ हो जाएगी. आई विल कीप ब्रीदिंग टिल द टाइम मैं आखिरी दुश्मन को मारूंगा. अनुज सर बचपन में कैसे थे? वो बहुत ज्यादा शरारती थे या शाय थे या ऑबिडेंट थे स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता ऑबिडेंट होता है. एंड शरारती थे बट यू नो इन ए गुड सेंस. यू नो उनकी जो शरारत होती थी वो उनकी आईज बताती थी हम लोगों को कि ही इज अप टू समथिंग. उनकी आप फोटोग्राफ देखोगे तो आपको उनको पता चलेगा. वो quietly कई चीजें कर जाता था. Ma'am, according to you, what does it really mean to be a soldier? मैं हमेशा लोगों को यही बात कहती हूँ कि आप जाके एक बार कारगिल में या सियाचिन में सिर्फ एक बंदूक पकड़ के खड़े हो जाइए. कुछ मत कीजिए. आपको पता चल जाएगा हमारे सोल्जर्स क्या करते हैं. मैम अनुज सर की NDA या एको स्क्वाड्रन की कोई कहानियाँ बता सकते हैं? दूसरे किसी स्क्वाड्रन के बच्चे ने कह दिया कि हमारा स्क्वाड्रन इको स्क्वाड्रन से बेटर है. तो अनुज ने उसको पकड़ लिया. ये स्क्वाड्रन जो है वो हमारी माँ है. माँ के लिए आप ये नहीं कह सकते कि माँ तेरी अच्छी है या मेरी अच्छी है, सुंदर है या नहीं सुंदर है. माँ का कंपैरिजन ना तेरे स्क्वाड्रन का होगा ना मेरे का होगा. Why did Anuj so want to join the Indian Army? अनुज तो आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहता है? उसका एक ही जवाब था. कहता है माँ इट इज सच ए डिसिप्लिन्ड करियर. इट्स बेसिकली यू नो ये एक यू नो नोबल करियर है आर्मी. मैम इन हिज चाइल्डहुड व्हिच टॉयज डिड अनुज सर प्ले विद? ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉयज. यू नो एवरी चाइल्ड यू नो जैसे गन्स हैं एंड दीस कार्स हैं टैंक्स हैं इन ऑल दीस थिंग्स यू नो ही वाज वेरी कीन. और खासकर शूज. जिस दिन वो नए शूज लेता था वो उसको अपने तकिए के पास रख के सोता था रात को. तो मेरे से मजाक करता था. कहता था कि माँ मैंने एक बंदा देखा है कि जो शूज को ऊपर से नहीं देखता अंदर से देखता है. बिकॉज वो शूज ऊपर से देखेगा. मैं उसकी कॉस्ट देखती थी कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. ओ मिट्टी में न जावा दिल बन के मैं खिल जावा तुमसी दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी दिल की आरज़ू. 28 अगस्त 1975 एक शूरवीर ने जन्म लिया अनुज नायर. कारगिल जंग में शामिल जाबाज सूरमा ऑफिसर कैप्टन अनुज नायर की कहानी हम सब जानते हैं. चारों बंकर क्लियर करके जीत हासिल करना, ये थी कैप्टन अनुज नायर की वीरगति की कहानी. कैप्टन नायर्स लेगेसी इज द टेल ऑफ ब्रावाडो विच एवरी इंडियन शुड नो. It is a privilege to have an officer of his caliber to have served our nation. Hi, I'm Shriyanka Sarangi. Namaskar Sathiyo, mera naam Lalit Vats hai. This is Aman Pawar. Hi, I'm Palash Mankodi. We hope that you enjoyed this session and we really look forward to seeing you all in the next episode of Kargil Conversation. Jai Hind. Do watch out for the next episode.